गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 5 का प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इसके पहले हमने जो आप लोगों को पार्ट पढ़ाया था, वो पार्ट आप लोग उम्मीद करती हूँ कि घर पे उसे आप लोग जरूर पढ़े होंगे, कहानी समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग नेवले और सांप की कहानी पढ़े थे, इससे पहले उसका प्रश्न उत्तर हम करेंगे, ठीक है बच्चों? तो कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहानी को समझ लिए। आज प्रश्न उत्तर हम लिखवा रहे हैं, आप अपनी कॉपी लेकर बैठें और उसे अपनी कॉपी में नोट करें, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पार्ट 5 नेवला और सांप की कहानी जो हमने पढ़ा था, उसमें कौन कौन सा प्रश्न दिया है। तो बुक में देखिएगा, आप अपनी बुक में यहाँ कह रहा है, नगर में रहने वाले पंडित का क्या नाम था। तो आपने पाठ पढ़ा है, उसमें आपको पता होगा कि नगर में रहने वाले पंडित का नाम देव शर्मा था। नेवली का शिशु क्यों अनाथ हो गया? क्यों अनाथ हो गया था बच्चों? क्योंकि नेवली को जन्म देते ही उसकी माँ मर गई थी, ठीक है ना? अब क्वेश्चन कह रहा है, पंडिताइन किसको अपने घर ले आई, किसे लेकर आई थी बच्चों? नेवली के बच्चे को। और पंडिताइन को किस बात का डर था? किस बात का डर था? कि छोटा नेवला वो कहीं हमारे बच्चे को काट ना दे, ठीक है? फिर क्वेश्चन कह रहा है, घर के समीप किसका बीत था? घर के समीप कैरेट साहब का बीत था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, इसे मैम बोर्ड पे लिख नहीं है, आप अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे, ठीक है? और फिर इसे घर पे याद करेंगे। बुक की रीडिंग आप लोग देते हैं डेली ना बच्चों? और जब तक बुक की रीडिंग नहीं देंगे, किसी भी प्रश्न उत्तर को आप सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बुक जो भी मैम पढ़ाती है, चैप्टर जो कविता पढ़ाती है या कहानी पढ़ाती है, उसको घर पे डेली रीडिंग देना है, डेली उसको पढ़ना है, ठीक है? तो आप लोग तो बहुत ही समझदार हैं। वन में भी मैम आप लोग को क्लास में बुक को पढ़ाती थी, और अभी जब हम क्लास शुरू होगा तो फिर आप लोग से रीडिंग करवाएंगे। इसलिए जो भी चैप्टर मैम पढ़ा रही हैं, उसे घर पे जरूर आप लोग उसको पढ़ेंगे और उसकी रीडिंग देंगे, तभी आपको कहानी समझ में आएगी और फिर आप उसका आंसर या उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको लिख पाएंगे। और रीडिंग देने से आपको आंसर करने में भी सुविधा होगी, आपको मात्रा का ज्ञान होगा कि कौन से शब्द को कैसे लिखा जाता है। इसलिए रीडिंग देना बच्चों बहुत ही ज़रूरी है। आप उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर घर पे रीडिंग देते होंगे। तो चले अब हम लोग प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, ठीक है? कॉपी पेंसिल आप लोगों ने ले लिया, अब आइए देखें। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, प्रश्न को नगर में रहने वाले पंडित का क्या नाम था। अभी मैं क्या बताई है, नगर में रहने वाले पंडित का नाम देव शर्मा था। तो आंसर में हम इसे पूरी वाक्य में लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, नगर में रहने वाले पंडित का नाम Thank you.
देव शर्मा था। ठीक है, ये प्रश्न क हो गया। अब ख, प्रश्न ख, प्रश्न ख में कह रहा है नेमी का शिशु क्यों अनाथ हो गया। नेवरी का शिशु क्यों अनाथ हो गया। अब इसका उत्तर लिखेंगे, नेवली के मर जाने के कारण नेवली का शिशु हो गया। ठीक है, नेवली का शिशु क्यों अनाथ हो गया, नेवली के मर जाने के कारण नेवली का शिशु अनाथ हो गया। अब क्वेश्चन ग, अब प्रश्न यहाँ ग लिखेंगे। प्रश्न ग में कह रहा है पंडिताइन किसको अपने घर ले आई। पंडिताइन किसको घर ले आई। इसका उत्तर लिखेंगे, पंडिताइन छोटे नेवले को घर ले आई। अब ख क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न घ, पंडिताइन को किस बात का डर था। पंडिताइन को किस बात का डर था, इसका उत्तर लिखेंगे, पंडिताइन को डर था कि छोटा नेवला उसके बच्चे को ना काट ले। ठीक है, देखिए का क्वेश्चन में कह रहा है नगर में रहने वाले पंडित का क्या नाम था। तो इसका उत्तर हुआ नगर में रहने वाले पंडित का नाम देव शर्मा था। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है नेवली का शिशु क्यों अनाथ हो गया। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, नेवली के मर जाने के कारण नेवली का शिशु अनाथ हो गया। ठीक है, गौ क्वेश्चन कह रहा है पंडिताइन किसको घर ले आई। तो इसका उत्तर होगा पंडिताइन छोटी नेवले को घर ले आई। ठीक है, अब घ क्वेश्चन कह रहा है घ में प्रश्न करता है पंडिताइन को किस बात का डर था। तो पंडिताइन को डर था कि छोटा नेवला उसके बच्चे को
ना काट ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, उसके बच्चे को नेमले ने पंडिताइन के दूध की लाज कैसे रखी। नेमले ने पंडिताइन के दूध की लाज उसके बच्चे को करे सांप से रक्षा करके रखी। यदि नेवला पंडिताइन के बच्चे को अकेले में छोड़ देता तो करे सांप क्या होता, उसे काट लेता। तो नेमले को पंडिताइन क्या की थी, उसे अपने बच्चों की तरह पालती थी, उसे जैसे अपने बेटे को दूध पिलाती थी वैसे नेमले के बच्चे को भी पिलाती थी। तो जब समय आया तो नेमला भी अपने इस दूध का कर्ज उसके छोटे बच्चे को करेत सांप से बचाकर उसकी रक्षा कर वो उसकी लाज रखी, पंडिताइन के दूध की लाज रखी। ठीक है, अब इस बुक में क्वेश्चन कह रहा है, इस
होता है। इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? तो इस कहानी से बच्चों ये संदेश मिलता है कि हमें अगर किसी कोई हमें अपना समझता है तो उसकी स्वामी भक्ति उस का जो मेरे देख रेख करता वो मेरा स्वामी होता है और उसकी भक्ति करना मेरा फर्ज बनता है। और दूसरा ये इससे संदेश इसका संदेश है कि हमें किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे हम किसी कार्य को करते हैं तो क्या होता है, बाद में मुझे पछताना पड़ता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले हमें सोचना समझना चाहिए और जो मेरी मदद करता है उसकी हमें भी मदद करनी चाहिए। उसके मदद करने का हमें क्या रखना चाहिए, उसका एहसान होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने हमें किसी विपत्ति में मेरी मदद की थी। आज उसके साथ कोई अगर परेशानी है तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। यानी किसी का हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वामी जो मेरे किसी भी जानवर को कोई इंसान पालता है तो क्या होता है, वो उसका मालिक होता है और मालिक की भक्ति करना किसी पशु को का फर्ज बनता है। जैसे हम लोग घर में गाय को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं तो कुत्ता वफादार होता है, उसे जब हम पालते हैं उसे हम खाना खिलाते हैं या उसे हम किसी तरह से उसको की घर में हम देखभाल करते हैं तो वो हमारे घर के सदस्य की तरह होता है और वो मेरी हर एक बात को जैसे घर के बच्चे समझते हैं वैसे वो समझता है और अपने मालिक की रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। वैसे ही यह नेवला भी किया था, अपने पंडिताइन के दूध की लाश उसके बच्चियों को समय पर करें सांप से बचाकर और अपने उस दूध की लाश का को पंडिताइन के सामने क्या किया, उस दूध की रक्षा का सॉरी बच्चे को बचाकर उसके दूध की लाश रख ली कि जैसे तुमने उस बच्चे को अपना समझ के पाला था वैसे मुझे भी पाला तो मैं तुम्हारे बच्चे की तरह हूँ, ठीक है ना। तो इसे इस कहानी से उत्तर लिखते हैं हमें इस कहानी से पंडिताइन की ममता और नेवले Thank you.
कंप्लीट हो गई। इसको हम लोग ने सारे प्रश्न उत्तर को लिख दिया है, इसे अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। और इसका बुक वर्क जो है उसे भी बनाना है। इसमें देखिए आपके बुक में देखिए क्वेश्चन दिया है एक और अनेक बनाना है। जैसे एक में हो गया घड़ी, घड़ी कौन सा शब्द है एक, और इसका अनेक क्या होगा घड़ियां। पालना, पालना क्या है एक मतलब एक वचन, और अनेक मतलब बहुवचन। ये व्याकरण में आपको वन क्लास में भी पढ़ाया गया था और फिर टू क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। तो आपकी बुक में ये एक और अनेक बनाने का दिया है। तो एक और अनेक का अंतर क्या होता है, एक मीन्स एक वचन और अनेक मीन्स बहुवचन। एक मीन्स एक कलम, और एक से जब ज़्यादा कलम होता है तो वो अनेक होता है। तो यहाँ घड़ी, एक घड़ी, और एक घड़ी से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा अनेक। पालना, पालना एक है, अगर वहाँ पालने लिखेंगे तो एक के से अधिक होगा। एक से जब अधिक पालना होगा तो वहाँ लिखेंगे पालने, और एक पालना है तो इसलिए यहाँ पालना। बच्चा, एक बच्चा है इसलिए यहाँ बच्चा लिखाएगा, और अनेक बच्चा है, एक से अधिक बच्चा है तो वहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चे। बेटा, बेटा का क्या लिखेंगे बेटे। मुख, मुखे, कथा, कथाएं। अब यहाँ विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द किसको कहते हैं विलोम, उल्टा शब्द, यानी जो शब्द है उसका उल्टा क्या होगा। जैसे यहाँ लिखा है कुरूप, कुरूप मीन्स क्या होता है जो देखने में अच्छा नहीं होता है, तो कुरूप का उल्टा क्या होगा सुरूप। सज्जन, सज्जन का उल्टा क्या होगा दुर्जन। पति, पत्नी, मित्र, दुश्मन, छोटा का बड़ा, बुद्धिमान, मूर्ख। अब इसको आप अपने बुक में बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक इसको अभी तक हम लोगों ने पार्ट पाँच तक पढ़ाई कर लिया है। इसमें आपको कविता भी पढ़ाया गया और कहानी भी पढ़ाई गई है। कविता घर पे याद करेंगे और कहानी का रीडिंग देंगे, डेली कहानी आप लोग पढ़ेंगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर हमने आपको कराया है उसे अपनी कॉपी में लिखकर उसे याद करेंगे। फिर जब स्कूल खुलने पे हम लोग क्लास में मिलते हैं तो इसकी फिर से हम आप लोगों से पूछेंगे भी और लिखवाएंगे भी, ठीक है ना। तब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहें, मन लगा कर पढ़ें, और अच्छे से घर में समय गुजारें, ठीक है। तो गुड डे, आप लोग बहुत खुश रहें।